एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जिनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस काफ़ी कम बोलते थे और शिष्यों को यदि उनसे किसी सवाल का उत्तर चाहिए तो उनको उसके लिए सबसे पहले ये जांचना होता था कि उनका सवाल कितना सही है या कितना उचित है। ऐसे ही एक बार बैठे बैठे उनकी एक शिष्य थी सरोज, और उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आया और अचानक बोली कि गुरुजी मुझे ये बताइए कि मैं बार बार वही बातें क्यों सोचती रहती हूँ, मेरे दिमाग में वही बात अलग अलग तरीके से कई बार आती रहती है और मैं बार बार वही बात सोचती रहती हूँ। ऐसा उसका कहना था और गुरुजी ने इतने खुश हुए, उनके चेहरे पर बहुत ही खुशी के भाव दिखे और उन्होंने बोला वाओ, आज तो तुमने कहना चाहिए खुद को पा लिया। तो सरोज की कुछ समझ नहीं आया, उसे लगा कि मैंने ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर दिया जो गुरुजी आज इतने खुश भी हुए और आंसर भी कर रहे हैं। तो उसने कहा ऐसा मैंने क्या पूछ लिया गुरुजी? तो उन्होंने कहा कि आज ये तुम्हारा जो सवाल था ये सवाल बिल्कुल नया था, जैसे एक न्यू मॉर्निंग हो। आपका ये सवाल आज, ये सवाल जो है ये शो कर रहा है, ये बता रहा है कि तुम कॉन्शियस हो रहे हो, तुम अलर्ट हो रहे हो। ये सवाल बिल्कुल नया तुमको एक नया डायमेंशन, नया आयाम देगा। अभी तक तुम जितने भी सवाल करते थे मुझसे वो कहीं ना कहीं क्या होते थे, पुराने हुआ करते थे, वो तुम्हारे खुद के कभी नहीं हुआ करते थे। ये सवाल तुम्हारा खुद का है, स्वयं से उपजा हुआ सवाल है कि क्यों मेरा मन बार बार वही चीज़ें सोचता रहता है। जो व्यक्ति इतना यदि अपने दिमाग के बारे में सोच पाए, जो व्यक्ति इतना फ्रीडम महसूस कर पाए, फ्री हो सके अपने दिमाग से, वो व्यक्ति डेफिनेटली लाइफ में वो सब कर पाएगा जो वो चाहता है। तो बात ये बहुत छोटी थी, लेकिन सरोज को तब जब गुरुजी ने समझाया तो समझ आई कि वाकई कि हम बहुत चीज़ें सोचते हैं, उनके बेस पे कई तरह के क्वेश्चंस करते हैं, परंतु हम स्वयं के बारे में या खुद के मन के बारे में कभी नहीं सोच पाते। तो जी हाँ, ये मेरी जो सीरीज़ थी वेयर डू वी मिस इन लाइफ का एपिसोड नंबर 6 था, जिसमें मैंने आपसे माइंड की से फ्रीडम के बारे में बात की, और ऐसे ही मैं लाइफ की छोटी छोटी सी चूक के बारे में आपसे डिस्कस करती रही हूँ। ये मेरा लास्ट एपिसोड है। ये पूरी सीरीज़ आपको कैसी लगी इसको आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करें, साथ में लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक मेरा ये जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी अवश्य करें। अगली एक सीरीज़ लेके मैं फिर आपसे मिलूँगी। थैंक यू।